गाइस, वेलकम टू indiancoding.com। ये jQuery से रिलेटेड हमारा आखिरी ट्यूटोरियल है। तो हमारे इस ट्यूटोरियल में हम आज सीखेंगे कि jQuery में अगर हमें कुछ सर्च करना है, जैसे कि अभी ये टेबल है, हमारे पास ये टेबल है, तो टेबल में हमें फर्स्ट नेम सर्च करना है किसी का, या लास्ट नेम सर्च करना है, या किसी का ईमेल आईडी जो है, तो वो अगर हमें सर्च करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो ये देखिए, मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर मुझे जॉन सर्च करना है तो ये देखिए, जॉन आ गया। अगर मैं सरनेम से सर्च करना चाहूँ, DOE, तो डोए, तो ये मुझे सर्च हो गया। अगर मैं मेल से सर्च करना चाहूँ तो ये देखिए, जुला, ये क्या है, जूली। तो जूली, अगर मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ जूली, तो ये देखिए, जूली का पूरे जो जितने भी डिटेल्स है, तो वो सारे आ गए। तो ये कैसे वर्क हो रहा है, तो हमारे पास jQuery में फिल्टर करने के लिए, ये जो हो रहा है तो इसको फिल्टरिंग बोलते हैं। तो उसके लिए हमारे पास jQuery में फिल्टर नाम का एक मेथड आता है, ठीक है। तो अभी बेसिक हमने अपना ये jQuery का कोड जो है तो वो लिखा है। अब यहाँ पे माय इनपुट, मतलब ये जो इनपुट बॉक्स है, तो उसका ये आईडी है माय इनपुट नाम का। तो इस आईडी पे जब की अप होगा तब ये फंक्शन रन होगा, और इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ क्या कोड है, उसमें मैंने लिखा है वेयर वैल्यू, मतलब ये वैल्यू, इस वैल्यू में वो स्टोर करेगा उसको, पहले वो लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये अपर केस में है, तो इसलिए वो लोअर केस में कन्वर्ट करके उस टेबल के रोज जो है, तो उन टेबल के रोज को, रोज में वो सर्च करेगा, मतलब कि उसमें वो फिल्टर करेगा, और फिर वो यहाँ पे हमें वो वैल्यू जो है, तो वो वैल्यू हमें डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ये मैंने बेसिक अपना CSS लिखा है टेबल का, और यहाँ पे मैंने ये टेबल ड्रॉ किया है। ये देखिए, टेबल टैग, टेबल हेडिंग, टेबल रो, इस तरह से मैंने ये टेबल, ये बेसिक HTML से मैंने टेबल दिया है, और इसको मैंने अपने jQuery में फिल्टर नाम का जो मेथड है तो वो यहाँ पे अप्लाई किया है। अब आप ये फिल्टरिंग जो है तो ये लिस्ट के लिए भी कर सकते हो। HTML में जो लिस्ट होती है, li टैग होता है, ol ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, तो उसके लिए भी आप ये फिल्टर यूज कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फिल्टर कैसे यूज किया हुआ है। यहाँ पे अगर मुझे फिल्टर का लिस्ट का कोई आइटम सर्च करना है, जैसे कि मुझे थर्ड सर्च करना है, तो ये देखिए, ये दिखा रहा है, थर्ड डिस्प्ले कर रहा है। अगर मुझे फर्स्ट सर्च करना है तो ये फर्स्ट दिखा रहा है, ये सेकंड अगर मैंने किया तो ये सेकंड दिखा रहा है, इस तरह से। तो लिस्ट का जो है तो वो भी बिल्कुल टेबल की तरह ही होगा। तो ये देखिए, बेसिकली ये कैसे वर्क होता है, तो इसमें भी इनपुट जो है, तो इनपुट में हम जो सर्च करेंगे उसको वो पहले लोअर में, टू लोअर केस फंक्शन का यूज करके वो पहले लोअर में कन्वर्ट करेगा, और फिर माय लिस्ट जो है तो वो कौन सा है हमारा, माय लिस्ट नाम का जिसका आईडी है, उसके जो li है, तो उस li में ये फिल्टर मेथड अप्लाई करके ये वहां पे सर्च करेगा कि ये जो एलिमेंट हमने इनपुट बॉक्स में टाइप किया है तो वो कहाँ पे है। तो अगर हमारी वैल्यू -1 से ग्रेटर हुई तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से ये फिल्टर वर्क जो मेथड है, तो ये अलग अलग तरह से jQuery में हमें कुछ सर्च करने के लिए, कहीं पे कुछ सर्च करना है हमारा डेटा, तो उसमें से सर्च करने के लिए jQuery का फिल्टर जो मेथड है तो वो यूज होता है। आई होप आज के लेक्चर में सिखाए हुए सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। एंड स्टिल, इफ यू हैव एनी डाउट, देन यू कैन पुट योर क्वेरीज इन द Q&A सेक्शन। थैंक यू।